हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आइडिया ब्रेन। सो गाइस, झारखंड आईटीआई काउंसलिंग का जो डेट्स है वो आ चुका है। 9 सितंबर से आप लोग का जो है काउंसलिंग का डेट्स जो है स्टार्ट हो चुका है, आई मीन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो पूरा प्रक्रिया समझते हैं कि कैसे आप लोग काउंसलिंग करना है, क्या क्या प्रोसेस होकर गुजरना है। तो चैनल पे न्यू है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ क्योंकि आपको यहाँ पे पल पल की अपडेट्स मिलती रहती है सारे काउंसलिंग या फिर अदर आईटीआई से जुड़ी हुई। देखिए, आप लोग को सबसे पहले जो ये लिंक है, ओके, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, पीडीएफ भी सारा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मेरा मिल जाता है। देखिए, jceceb.jharkhand.gov.in ये वेबसाइट है, ये आपको खोल लेना है। ये आप जैसे ही आपको होम पेज आपका जब खुल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग नोटिस, इस पे क्लिक करके आप नोटिस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब पिछले वीडियो देख लीजिएगा आप लोग को यदि विस्तार में जानना है तो, मतलब कि कौन कौन से डेट में क्या क्या होगा, सारे गतिविधियां वहां पे दी हुई है सारा कुछ, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन आईटीआई 2021, इस पे आपको करना है क्या, क्लिक। जब ये वाले यहाँ पे आप जब क्लिक कीजिएगा काउंसलिंग के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जैसे ही उसमें मैंने क्लिक किया, ये पेज खुल के सामने आ गया। देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को जो है ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन आईटीआई 2021 पे, इस पे क्लिक, हेयर पे क्लिक करना है, ओके। इस पे क्लिक करना है, इस पे जो ही आप क्लिक कीजिए, अच्छा यहाँ पे भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपना जो वो काउंसलिंग का जो डेट्स है वो सब। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि आपको 9 से लेकर के 15 तारीख तक दिया हुआ है, चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का डेट दिया हुआ है। उसके बाद फिर 16 और 17 को एडिटिंग वगैरह का है, फिर और उसके बाद फिर डाउनलोडिंग ऑफ लेटर है, फिर रिपोर्टिंग इन कॉलेज है। तो ये यहाँ पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक करा, देखिए ये पेज खुल के सामने आएगा आपके सामने। जैसे ये पेज खुल के सामने आएगा, यहाँ पे आपको टू गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड क्लिक हेयर, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। देख लीजिए, जैसे ही आप क्लिक किए, तो फर्स्ट टाइम यूजर है आप, पहला पहला यूजर और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। और यदि आपने बना रखा है तो फिर यहाँ साइन करना है, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे एप्लीकेंट लॉग इन पे, यहाँ एग्जिस्टिंग यूजर आपने बना रखा है तो फिर यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं, पहले बनाए हुए थे आप भूल गए हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करके जो है अपना पासवर्ड को आप फिर से रिगेन कर सकते हैं। लेकिन आपने पासवर्ड यदि आपके पास है, आई मीन आईटीआई काउंसलिंग का, तो फर्स्ट ही आप लोग कर रहे हो काउंसलिंग, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे करके, जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा भरने के लिए, गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, लाइक 215406 इस तरह करके, जो भी आपका 6 डिजिट का जो भी एप्लीकेशन नंबर था, इस जगह आपको फिल कर देना है, ओके। यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। लाइक जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं इसको, 17 या फिर जैसे इसका नेट का 17 इस तरह से है। चलिए, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी है आपको क्लिक कर लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है क्लिक कर लीजिए, जो आपका मंथ है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ईयर जो भी है आपको यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ओके। जो आप जो भी आपका ईयर होगा, उसके बाद सर्च पे क्लिक कीजिए। जैसे ही सर्च पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसमें क्लिक करा, तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, आपको जो है योर लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड हैज बिन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आई डी जो है उसमें भेज दिया गया है, और मोबाइल नंबर भी आपका जो है इस पे आपको डिटेल्स भेज दिया गया है। अब क्या करना है, आपको ये ईमेल आईडी पे आप जाइए अपना, खोलिए जीमेल, वहां पे देखिए कि क्या क्या आपको यूजर नेम और पासवर्ड भेजा गया है, या फोन पे भी आपको ये चीज आ जाएगा, ओके। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये काम होने के बाद आपको साइन इन पे यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर आप प्रीवियस वाले में भी आप जाके यहाँ साइन इन पे क्लिक करना हो कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई नहीं। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन इन। जैसे साइन इन करेंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा एंटर करने के लिए, ओके। जो भी ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, ठीक है, @gmail.com इस तरह से आपका जो भी है कर दिए। और पासवर्ड जो आपके फोन में आया है या जो आपके ईमेल में आया है वो, ठीक है, वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना है, ठीक है, डिजिट कुछ होगा जो आपको आया है वो कर दीजिए, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आगे का इंटरफेस, तो गाइज जैसे ही मैंने वहां सबमिट बटन पे क्लिक करा, उसके बाद देखिए ये इंटरफेस सामने खुल के आया, जिसमें कि यहाँ पे आप लोग को डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पे आपको प्रीव्यू फॉर्म आप कर पाइएगा, मेक पेमेंट करना होगा आपको, आई मीन पेमेंट जो करना होगा वो चीज कर पाइएगा यहाँ से। उसके बाद कोर्स प्रेफरेंस, मतलब आप अपना कॉलेज जो सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो ट्रेड सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ से आपको प्रेफरेंस में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीव्यू फॉर्म में आप सारा डिटेल्स देख पाइएगा, जो आपका जो बेसिक डिटेल्स है और आपने जो कॉलेज सब जो चॉइस किया है ट्रेड के साथ, वो सारा यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म में दिख जाएगा। तो गाइज, उसके बाद फिर पेमेंट, जो आपका काउंसलिंग फीस है 400 रुपया, जो आपका जनरल ओबीसी के लिए, और 250 रुपया फीमेल कैंडिडेट्स एसटीएससी के लिए, वो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। आप चाहे तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको पेमेंट ही करवा रहा है, ठीक है। पेमेंट मैं आपको बता भी दिया कि नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, या यूपीआई से कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप एटीएम कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे देख लीजिए कि पहले मैं प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, अपना फॉर्म्स वगैरह डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स सब चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ आ रहा है, अप्लाइंग फॉर क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th, आप 8th का यदि अप्लाई किए हैं तो 8th यहाँ पे लिखा रहेगा, क्लास 8। अब देखिए यहाँ स्टेटस क्या दिखा रहा है, कन्फर्म, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, कन्फर्म है बट नॉट पेड, कन्फर्म है, दैट मीन्स जो पहले जो आप रजिस्ट्रेशन किए थे पहले आपका, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट वगैरह आया तो वो बात था कन्फर्म, लेकिन अभी क्या है कि आपका फीस पेड नहीं है, एप्लीकेशन क्या है आपका अनपेड है। ओके, तो आपको क्या करना होगा, व्यू करना होगा, पहले आप व्यू करके देख लीजिए। व्यू करने के बाद सारे डिटेल्स यहाँ पे जो है कैंडिडेट आपका मतलब आ जाएगा, नेम हो गया, फिर जेंडर, फिर आपका कैटेगरी, ये सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर नहीं, यस नो, ये सारा कुछ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, सारा कुछ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम है, ठीक है। अब देखिए इंस्टीट्यूट ट्रेड प्रेफरेंस नॉट फिल्ड येट, अभी तक नहीं भरा गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग भरेंगे, पर ये भरने से पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए जैसे ही आप इस पेज में आइएगा यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक कर कीजिएगा, ठीक है, जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक कीजिएगा ये पेज खुल के सामने आ जाएगा, और ये जो पेज है आपका, ये पेज में आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं भाई, तो देखिए जैसे ही आप सबमिट किए थे तो वहां पे ये वाला पेज खुल के आया था, मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट मेक पेमेंट पे आइएगा तो बात एक ही है, लेकिन उससे बेटर होगा कि हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग प्रीव्यू कर लेते हैं फॉर्म को और अपना देख लेते हैं कि मेरा सारा डिटेल्स जो है ये सारा सही है या नहीं है, ठीक है, ये सारा डिटेल्स आपका ही है तो ये आप कंफर्म हो लीजिए फोटो वगैरह सारा कुछ देख करके, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट कर लेते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट कीजिएगा, यहाँ पे देखिए अमाउंट आपका आ जाएगा, क्योंकि यदि जनरल कैंडिडेट्स हैं तो 400 रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना, देखिए इन केस योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन इज नॉट अपडेटेड देन क्लिक द रिफ्रेश प्रीवियस पेमेंट बटन टू प्रोसीड सच प्रीवियस पेमेंट। कहने का मतलब हुआ कि यदि आपका जो है आपने पहले का पेमेंट किया और मान लेते हैं वो अपडेट नहीं हो सका, अभी आप मान लेते हैं हम अभी पेमेंट करेंगे जैसे, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मोड वगैरह सेलेक्ट करके पेमेंट करेंगे और मान लेते हैं वो एक्टिव नहीं हुआ, तो क्या कर रहा है कि रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है, रिफ्रेश करना होगा प्रीवियस बटन ये वाला में, जैसे रिफ्रेश कीजिएगा यहाँ डिटेल्स जो है एप्लीकेशन फीस वगैरह सारा जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वो आपका प्रीव्यू में देखिएगा तो वहाँ पे पेड लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए इसका हम लोग मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, देखिए जैसे क्लिक कीजिएगा एक ही मोड दिया है ऑनलाइन और कोई दूसरा मेथड नहीं है, यहाँ मैंने क्लिक करा, अब देखिए यहाँ पे है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो आप कोई सा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो डेबिट कार्ड मैं कर लेता हूँ जैसे, तो डेबिट कार्ड में देखिए फीस जो है एक्स्ट्रा आपको 4 रुपया देना पड़ेगा, 400 प्लस 4 कितना हो गया 404, नेट बैंकिंग का देख लेते हैं तो 10 रुपया देना होगा, मतलब 400 प्लस 10 410। तो चलिए गाइज हम लोग जो है डेबिट कार्ड में सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रोसीड टू पे में क्लिक करना पड़ेगा, जैसे आप प्रोसीड कीजिएगा उसके बाद यहाँ फिर से आपको एक बार कंफर्मेशन डिटेल्स आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, फिर कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है, तो टोटल 404 रुपया, अब 4 रुपया ट्रांजेक्शन फीस है, ये बात मैं आपको बता दिया, देखिए पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन, इसको इस पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही इन चीजों को मैं जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे पूछ देगा क्या कार्ड नंबर, फिर एक्सपायरेशन डेट ये सारा देना होगा, सारे डिटेल्स जो आप लोग जानते ही हैं बेसिक, जो भरना होता है मेक पेमेंट उस बात करना होगा, तो इन चीजों को मैं कर देता हूँ हाइड, क्योंकि ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से सही नहीं रहेगा। नेट बैंकिंग का भी यहाँ पे आप जा सकते हैं, चाहे तो आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो है यूपीआई, ठीक है, यूपीआई जो होता है आप लोग का उससे भी कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ यूपीआई का ऑप्शन दिया हुआ है, भीम यूपीआई दिया है, क्यूआर कोड्स करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं, जो भी आपको सॉलिड बुझाता है उसमें आप क्लिक करके मेक पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। आइए तो मैं करने जा रहा हूँ डेबिट कार्ड में, यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालूंगा, फिर मंथ डालूंगा, ईयर डालूंगा और कार्ड होल्डर नेम डालूंगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा। तो गाइस जैसे ही आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा एक आपको मैसेज आएगा, आपके सामने स्क्रीन में आएगा कि योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर जेसीई सीईबी 2021, योर ऑर्डर आई डी इज, आपका ऑर्डर आई डी आ जाएगा और दूसरा की टोटल चार्ज, जैसे कि मैंने डेबिट कार्ड से पे किया तो 404 रुपये यहाँ पे शो करेगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आप लोग को एक बात ये समझ लीजिए कि 24 घंटा का हो सकता है कि आप लोग को वेट करना पड़ जाए, सक्सेसफुल पेमेंट तो हो ही गया रहता है लेकिन वो अपडेट चलता है, ठीक है, तो इस वजह से आपको थोड़ा 24 घंटे का वेट करना पड़ सकता है, यदि उसके बाद भी नहीं होता तो फिर आपको जो है इसका इन्फॉर्मेशन जो है देना पड़ेगा बोर्ड को और आपको मेल करना पड़ जाएगा, ठीक है, तो वो मेल जो है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये मेल है, ईमेल आईडी jceecebee, ठीक है, online@gmail.com, ये वाला डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे दूंगा, ये कंप्लेन आपको करना है, ठीक है, यदि मान लीजिए किसी का पेमेंट नहीं हुआ तो। भाई जी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो जो सामने स्क्रीन में आ रहा है
है, तो यही आपको इस तरह का सक्सेसफुल मैसेज आना चाहिए। तो गाइज हम लोग यहाँ पे भी आ गए हैं इस जगह पे, और यहाँ पे अभी अब ये जो है रिफ्रेश करते हैं इसको, पेमेंट जो मैंने किया है वो फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जा करके यहाँ पे आपका जो जो फीस है वो सामने में 400 पे टोटल दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, इट अपियर्स दैट योर लास्ट पेमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल, कहा जा रहा है। लेकिन खैर इसके हमको इग्नोर करना है क्योंकि ये जो है पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा मतलब फिर भी लिखा जा रहा है, तो खैर ये ठीक हो जाएगा समस्या, क्योंकि ये आपको मैं बताया है कि 24 घंटा का वेट करना पड़ेगा। तो 24 घंटा का वेट कर लेते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है वहाँ पे मैसेज। मैसेज क्या आएगा, मतलब वो 404 रुपया जो है पेड वो चीज सक्सेसफुल दिखाएगा, उसका फिर है जो इसको जो काउंसलिंग का जो जो चॉइस आपको करना है कॉलेज वाला वो सारा आप कर पाइएगा। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद आप लोग को जो है सिंपली यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस में जा करके चीजों को कर लेना है, मतलब उसको फिल करना है, वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, वहां तो अनसक्सेसफुल दिखाया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के बाद व्यू में जैसे क्लिक किया, प्रीव्यू फॉर्म में जैसे क्लिक किया, तो यहाँ आप देख पाइएगा कि यहाँ पे मुझे जो है पेड दिखा दिया। अभी थोड़ा देर पहले जब जब मैं पेड नहीं किया था, जब फीस पेमेंट नहीं किया था, तो यहाँ पे अनपेड था, देखे होंगे आप लोग, पेमेंट आईडी भी यहाँ कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ये यहाँ पे स्टेटस देखिए पेड दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पेड आना चाहिए आप लोग का। ठीक है, चलिए सारा कुछ मैं लाइव कर रहा हूँ आपके सामने, अब व्यू करते हैं। तो व्यू में देख लीजिए यहाँ पे क्या है, प्रिंट का ऑप्शन बोल रहा है, मगर यहाँ पे अभी तो हमने क्या, यहाँ पे अभी फिल नहीं किया है, इंस्टीट्यूट ट्रेड प्रेफरेंस अभी फिल हमने नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे पहले क्या बोला था आपका, सबमिट करने के लिए पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा था। तो आइए डैशबोर्ड में आते हैं, अब कोर्स प्रेफरेंस में चलते हैं। ठीक है, अब मेक पेमेंट वाला ऑप्शन तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, देखिए ये हट चुका ना, यहाँ से अभी जो था यहाँ पे अपडेट करने के लिए हट चुका है, दैट मीन्स मेरा पेमेंट हो चुका है, और ऐसे भी मैंने आपको दिखा दिया डैशबोर्ड में जाकर के कि पेमेंट मेरा हो चुका है। चलिए कोर्स प्रेफरेंस में अब हम लोग पहुंचते हैं, कोर्स प्रेफरेंस में देख लीजिए यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स रहेगा, एप्लीकेशन आईडी जो आपका है वो रहेगा, अप्लाई फॉर 10th, एप्लीकेशन स्टेटस पेड है, और आईडी ये है। चलिए ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और से अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग का यहाँ पे अब जो बातें यहाँ पे शुरू हो रही है, सारा चीज को समझिएगा गौर से, बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से समझिएगा, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इंस्टीट्यूट ट्रेड प्रेफरेंस मतलब क्या हुआ कि आप अपना इंस्टीट्यूट का प्रेफरेंस दीजिए, यहाँ पे आपको कौन सा इंस्टीट्यूट पहले चाहिए, उसके बाद कौन सा चाहिए, यदि वो नहीं मिला आपके रैंक के अकॉर्डिंग, दूसरा कौन सा कॉलेज आपको चाहिए वो आपको प्रेफरेंस देना होगा, 1 2 3 4 इस तरह करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सारे डिटेल्स बता देता हूँ, क्लियर ऑल का मतलब क्या हुआ, जो भी आप यहाँ पे 1 2 3 4 चॉइस डाले हैं सब कुछ चाहते हैं, फिर नहीं हम फिर से हटा कर फिर से करेंगे, यहाँ क्लियर ऑल में क्लिक कर दीजिए। सेव का मतलब हुआ कि सेव कर रहे हैं, जैसे एक कॉलेज डाले साहबगंज कॉलेज, आईटीआई साहबगंज, उसके बाद आईटीआई दुमका डाले, सेव कर दिए तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेव एंड लॉक का मतलब क्या हुआ कि आप सेव करके उसको लॉक कर दिए, लॉक करने का मतलब क्या हुआ कि वो आप चेंज नहीं कर सकते, आप लॉक का ही मतलब हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू मतलब जो आपने सारा कुछ लॉक कर दिया, सारा अपना प्रेफरेंस डाल दिया, उसको प्रिंट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज को हम लोग देते हैं। सबसे पहले जो ये जो विद्यार्थी, इनका प्रेफरेंस है कि साहेबगंज, साहेबगंज के कॉलेज में ये पढ़ना चाहता है, तो साहेबगंज ले लिए। अब सीट टाइप कौन सा इनको सीट प्रेफरेंस चाहिए था, गवर्नमेंट सीट इनको चाहिए फर्स्ट में, गवर्नमेंट मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ फीमेल्स के लिए भी अलग से कैटेगरी दिया गया है। ठीक है, फीमेल्स वाले लड़के लड़कियां लोग जो है यहाँ पे पहले अपना क्लिक कर लें, तो गवर्नमेंट सीट। उसके बाद ट्रेड, तो ट्रेड इनको पहले, जैसे अब साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट सीट के लिए ट्रेड कौन सा चाहिए, तो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट चॉइस इनका। ओके, अब यहाँ इंस्टीट्यूट देख लीजिए, इंस्टीट्यूट एक ही यहाँ पर गवर्नमेंट में साहेबगंज में, कौन सा, आईटीआई साहेबगंज, ये कर दिया मैं। अब इसको क्या कर देता हूँ, एड टू लिस्ट। तो एड टू लिस्ट किया तो देखिए यहाँ पे एड फर्स्ट नंबर में आ गया है ना, फर्स्ट में ये आ गया। ओके, अब यहाँ पे आप लोग को जो है इसको क्या कर देते हैं, हम सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव हो गया यहाँ पे, ओके कर दिए। ठीक है, अभी लॉक हम नहीं करेंगे, लॉक करेंगे तो ये फिर और आगे नहीं होगा। सेव करने के बाद क्या होगा, अब फिर यहाँ एड टू लिस्ट आ रहा है। ओके, क्लियर ऑल कर देंगे तो ये जितना भी था ना यहाँ पे जितना होगा सब हट जाएगा। चलिए अब एड टू लिस्ट फिर से न्यू एड करते हैं। ओके, न्यू एड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट फिर से अब साहेबगंज में ही इनको चाहिए, क्योंकि उसी जगह के हैं तो इनको सारा जो है चाहिए यहीं का। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो जो आप लोग को लगता है वो दे दीजिए, साहेबगंज इनका दिए गौर, तो मैं इनका साहेबगंज दिया। आप रांची के हैं, रांची आपको लगता है रांची में हमको पढ़ना है तो आप रांची फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, आपको देवघर में पढ़ना है तो आप देवघर फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, तो इनका इनको जो है यही देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर जो है यहाँ पे फिटर ट्रेड मैंने इनका दे दिया, इनको फिटर भी दोनों कोई सा भी मिल जाए, इस वजह ऐसा है। फिर यहाँ एड टू लिस्ट करेंगे, एड टू लिस्ट में ही आ गया।
आगे बात समझ में। अब यहाँ पे आप ऐड टू लिस्ट पर फिर क्या करना है, आपको सेव करना है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, आप खुद अपने फोन से भी कर पाइएगा। चलिए अब इनका जो है चॉइस है, मान लेते हैं कि इनको अभी रांची का, ठीक है, अभी रांची में हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ रांची, अब रांची में दो कॉलेज आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सीट गवर्नमेंट टाइप, यहाँ दो कॉलेज आप लोग को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हालांकि जो है पहले तो अभी यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा ट्रेड कौन सा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि इलेक्ट्रिशियन इनका देते हैं फर्स्ट में, उसके बाद यहाँ पे देखिए तीन चार कॉलेज है, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए जनरल रांची का, मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज का सारा उसमें बताया है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सा आईटीआई जो है प्राइवेट कॉलेज है, और कितना सीट है, कौन सा ट्रेड में कितना सीट है, जनरल एसटीएससी में कितना सीट है। यहाँ देखिए आईटीआई जो है रांची जनरल, या फिर आईटीआई जो आपका हेहल में वेलफेयर वाला है, जनरल वाला हम देते हैं इनका, ठीक है। यहाँ ऐड टू लिस्ट कर दिए, उसी तरह से इसको सेव फिर करना पड़ेगा आपको। सेव करने के बाद ओके कर दिए, देन फिर से सेलेक्ट किए और फिर से रांची में आए, ओके। देन यहाँ पे आपको फिर गवर्नमेंट सीट, फिर यहाँ पे अभी फीटर में एक कर देते हैं इनका, फिर यहाँ पे जनरल वही, फिर ऐड टू लिस्ट, फिर सेव कर दिए। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये कितना ही आसान है इन चीजों को करना, ठीक है। आपको जितना प्रेफरेंस आपको समझ में आता है, एक जैसे ये फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन्थ, इस तरह से आप करते जाइए सारा, ठीक है। सारा आपको करते जाना है, सारा सेव, लेकिन एक एक करके सेव करते जाइए। अब फाइनली उसके बाद क्या करना है, आपको सेव एंड लॉक कर देना है। जब सारा आप कर दीजिएगा तो ये वाला बटन मतलब इस पे क्लिक करना नहीं भूलना है, सेव एंड लॉक कर दीजिएगा। उसको फिर प्रिंट प्रीव्यू कर दीजिएगा। प्रिंट प्रीव्यू जैसे कीजिएगा, आपका सारा जो वो जो मैं अभी दिखा रहा था वहां पे, ठीक है, वो फर्स्ट वाले में डैशबोर्ड में जो दिखा रहे थे वहां पे आपका डिटेल्स, आपका फोटो के साथ ये पूरा आपका जो कॉलेज का जो प्रेफरेंस है वो सब भी सामने आपको देखने को मिल जाएगा। अब तक देखिए हम मुझे हाईलाइट करा, यू हैव एडेड फोर प्रेफरेंस, चार ही अभी तक मैं ऐड किया हूँ। इसी तरह से और कुछ कुछ ऐड करके इसको करेंगे। तो इसको हम स्टॉप कर देते हैं, थोड़ा सा अभी वीडियो को पॉज कर देते हैं, और हम तब तक प्रेफरेंस कर लेते हैं, डाल देते हैं सारा, और उसके बाद फिर अच्छा। अब इसमें रही बात कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप आपको जिस कॉलेज में अच्छा लगता है वहाँ पढ़ सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात है कि कुछ कुछ कॉलेज अच्छे हैं जहाँ की पढ़ाई अच्छी होती है, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी बात है कि इस पे जो कट ऑफ कितना जाएगा, किसमें सिलेक्शन मिलेगा, वो आपके रैंक पे सिर्फ डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए किसी का 12-13 हज़ार रैंक है, 15 हज़ार रैंक है, और वो चाहेंगे कि हमको जो है ये अच्छे अच्छे जैसे लाइक रांची के कुछ कॉलेज हैं, ये जैसे ये जनरल वाला जो है रांची का, इसका बहुत पहले सीट फुल हो जाता है, 1000 CML में फुल हो जाता है, तो वो चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो उस केस में उनको फिर नीचे का जो कॉलेज डाले हुए हैं वो मिलेगा, ठीक है। तो काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग का बेनिफिट भी है, पीछे रैंक वालों को भी अच्छा कॉलेज कभी कभी मिल जाता है, ठीक है, जानकारी का अभाव के कारण। तो काउंसलिंग आप प्रॉपर कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड काउंसलिंग है। तो गाइज जैसे कि मैं यहाँ पे सीट प्रेफरेंस डाले जा रहा हूँ, और यहाँ पे अब तक जो है 11 प्रेफरेंस कर दिया हूँ। तो मोर और लेस आप लोग जितना प्रेफरेंस दीजिएगा आप लोग के लिए बेटर रहेगा। मान लीजिए कि आपका रैंक यदि पीछे है तो आपका कॉलेज मिस नहीं हो, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात बता रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपने ये जो है चॉइस डाल दिया, प्रेफरेंस डाल दिया, अब ट्रेड वाइज आपने डाला कि मुझे ये इस कॉलेज में ये ट्रेड करके चाहिए, तो यहाँ पे जैसे यहाँ देख लीजिए गवर्नमेंट सीट है, फीटर 2 ईयर कोर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धनबाद, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुझे नहीं करना है या इसको यहाँ नहीं रखना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सिंपली ये डिलीट का ऑप्शन, ये वाला जो है रेड कलर से, नहीं इस पर क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा, ये हट गया, ठीक है। अब प्रेफरेंस में कितना बच गया, 10 बज गया। तो इस तरह से आप चाहें तो मान लेते हैं इसको हटाना चाहते हैं, बीच से ये वाला को हटाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर इसको हटाना चाहते हैं, तो यहाँ डायरेक्टली सिंपली यहाँ पे इसमें क्लिक कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद फिर से सेव कर दीजिए, ओके। तो एक एक को यदि हटाना है तो यहाँ डिलीट का दिया हुआ हटा सकते हैं, और पूरा को क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ होने के बाद मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सेव एंड लॉक जरूर कीजिएगा। लॉक नहीं कीजिएगा सारा बेकार हो जाएगा, आपको आपका काउंसलिंग में कुछ भी नहीं आएगा। सेव के साथ लॉक करना जरूरी है। उसके बाद आप लोग जब लॉक कर दीजिएगा, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेवन लॉक कर दिया, उसको प्रिंट प्रीव्यू कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला पूरा जो है आ गया सामने, मतलब सारा डिटेल्स आ गया आपका यहाँ पे, नेम, फादर्स नेम, सारा कुछ डिटेल्स आ गया, फोटो वगैरह सारा देख लीजिए यहाँ पे, जॉब आई मीन एप्लीकेशन आईडी, ये सब हो गया। पेमेंट जो आप किए हैं उसका भी आईडी, यहाँ पे पेमेंट आईडी भी आ चुका है, ठीक है। अच्छा, किसी किसी केस में 24 घंटा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन जनरल केस में नहीं भी करना पड़े, जैसे इसमें नहीं करना पड़ा, तुरंत का ही हो गया, मुझे लगा था 24 घंटा लगेगा लेकिन नहीं हुआ, ये हो गया साथ साथ। अब देखिए जो जो प्रेफरेंस में डाला हूँ, सीरियल नंबर करके आ गया, सीरियल नंबर 1 में गवर्नमेंट सीट इलेक्ट्रिशियन 2 ईयर आईटीआई साहिबगंज, उसमें दूसरा में डाला था गवर्नमेंट सीट फिटर 2 ईयर साहिबगंज, उसी तरह से 7th नंबर पे देख लीजिए ये डाले हैं, यहाँ रांची का डाले हैं, 11th नंबर में देखिए यहाँ पे जो है धनबाद का डाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अच्छा, डिलीट करने के बाद आपको सेव करना होगा, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो ये टोटल हो गया। आप लोग को अब यहाँ क्या करना, बस प्रिंट पे क्लिक कर देना है। अब प्रिंट कर ले, आप कैफे में करवा रहे हैं या फिर अपने फोन में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो आप प्रिंट करके उसको एक बार सेव करके रख लीजिए। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई, सारा आपका ये जो चॉइस फिलिंग का काम खत्म। ठीक है, अब देख लीजिए, अब समझिए, यहाँ पे अभी क्या है कि आप लोग को इसके बाद जो है, यदि कुछ सुधार चाहते हैं कि हमें वो और ऐड करना है कॉलेज को, या फिर हमको एडिट करना है, हम नहीं चाह रहे हैं कि हम मेरा ये फर्स्ट फर्स्ट कॉलेज में फर्स्ट प्रेफरेंस में ये कॉलेज रहे, ठीक है, ये कॉलेज नहीं रहे, तो ये आप सेव एंड लॉक कर देने के बाद, फिर आपको मौका कब मिलेगा, मौका आपको 16 और 17 तारीख को मिलेगा। 16 और 17 को फिर इन चीजों को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कि मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 17 तारीख के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, उसको फिर आप लोग का जो है लिस्ट जारी किया जाएगा, आई मीन आपका अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, आपको सीट दे अलॉट अलॉट हो गया, जैसे कि आपको इनमें से चाहे ये कोई सा भी एक सीट अलॉट हो गया, उसके बाद फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा और फिर आपको जाना है कॉलेज में, रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम दिखा देते हैं आप लोग को, सारा जो ये आपका एडवर्टीजमेंट है वो भी आप लोग देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एडवर्टीजमेंट, मैं अभी डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सारा ऐसे, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जाके। तो ये 9 से 15 तक होगा, ठीक है, जो अभी मैं आपको करके दिखाया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ये चॉइस फिलिंग कर दिया, सारा हो गया। अब 16 17 को आप एडिट कर पाइएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड करने का, जो कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, वो 21 से 28 तारीख तक आपको इसी नेट पे ही आपको, मतलब कि ये जो साइट है झारखंड वाला, जेसीबी वाला जो साइट है, इस पे आप लोग जो है प्रोविजनल लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर कॉलेज में कब रिपोर्ट करना है, 21 से लेके 28 तारीख तक, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स लेकर के, सारा कुछ अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, और वहां पे आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस जो है आपका सेकंड राउंड काउंसिल में भी चालू होगा। सारा डेट्स आप लोग देख लीजिए, फीस वगैरह देख लीजिए, 400 इसका और 250 रुपया फीमेल एसटीएससी का। ठीक है, और सेकंड राउंड काउंसलिंग कब से, 2 तारीख से 5 तारीख तक चॉइस फिलिंग का है अक्टूबर में, और फिर एडिटिंग करने का 6 और 7 है, 9 से 16 तक है अलॉटमेंट लेटर जो है, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का और रिपोर्ट करना है कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है 9 से 16 तक। तो गाइज यही पूरी प्रक्रिया थी, आप लोग को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, तो गाइज की होप कि आप लोग को चीजें जो जो भी मैं बताया सारा आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी यदि आप लोग को उसके बाद भी कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ जुड़िए, सारा आपको पीडीएफ जितने भी इस चीज़ों से रिलेटेड है सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाता है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि मेरिट लिस्ट का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारा कुछ वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस चलिए आप लोग अपना प्यार दिखाइए, समर्थन कीजिए, जितना जो भी आप लोग से रिलेटेड जितना भी ये है कंटेंट सारा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारा कुछ दे रहा हूँ झारखंड के लिए, झारखंड के लिए क्योंकि हम भी झारखंड से हैं, इस वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइस चलिए फिर हम लोग के न्यू अपडेट के साथ, इसमें कुछ और कुछ आप लोग की जानकारी होगी यदि कुछ बातें होंगी जो कि मुझे लगेगा कि, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है हमको बताइए इसको कैसे किया जाएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो आप लोग बना करके जरूर से जरूर दे दूंगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।